हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। तो दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरीशिप का जिन्होंने भी सीएसईईटी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का भी एग्जाम दिया था लास्ट संडे को, आप लोगों के एग्जामिनेशन पूरी उम्मीद करते हैं कि अच्छे गए हो और आप सब लोग अभी एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, रिजल्ट की वेट कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट के साथ आए हैं हम लोग यहां पर। पहली चीज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सीए आशीष कालरा एज वेल एज सीएस आशीष कालरा। मैंने सीए और सीएस दोनों किया हुआ है। मेरे साथ हैं सीएस दिशा शर्मा और मेरे साथ हैं सीएस पंकज सर और मैम। ये आपको मिलके मेरे साथ पढ़ाने वाले हैं सीएस के एग्जीक्यूटिव क्लासेस। गाइस, सीएस एग्जीक्यूटिव का आप लोगों का बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं दिसंबर में, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजिकली कुछ प्लानिंग का एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी बताना चाह रहा हूं। आपका सीएसईईटी का अभी रिजल्ट आएगा, अगर आप अभी एडमिशन लेंगे तो आपका ओल्ड कोर्स में एडमिशन होगा और ओल्ड कोर्स में आपके 8 पेपर्स हैं। उन 8 पेपर्स में से आप 4 पेपर्स जून में दे पाएंगे और 4 पेपर्स आप जो है दिसंबर में दे पाएंगे। और न्यू कोर्स 1 फरवरी से जो भी एडमिशन होंगे उनका न्यू कोर्स एप्लीकेबल होगा और एग्जीक्यूटिव में टोटल 7 पेपर्स हैं। तो क्यों ना ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि इन 7 पेपर्स न्यू कोर्स की तैयारी करें। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि 7 पेपर्स यार 100 मार्क्स की कम प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो गाइस, इसी चीज इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हम लोग अपना जो यहां पर बैच लेकर आ रहे हैं, सबसे पहला बैच न्यू कोर्स का बैच सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए आप लोगों के लिए फेस टू फेस लाइव वर्चुअल लाइव एट होम हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी, हमारे लाइव एट सेंटर्स भी मिलेंगे, फेस टू फेस भी मिलेगा, एज वेल एज आप लोगों को फेस टू फेस यहां पर आप हमारे पास आ सकते हैं। ये वाला जो पहला बैच है ये है जनकपुरी में। और गाइस, मैं अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सीएस दिशा शर्मा से। मैम, आप क्या पढ़ाने वाली हैं? हेलो एवरीवन, सो मैं आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 2 व्हिच इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ये लेने वाली हूँ। लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा कंपनी लॉ में आप क्या पढ़ने वाले हो। 80% जो आपका सिलेबस है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, आई मीन 80 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। सो पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी मेरी क्लासेस में रहने वाली है। प्लस जो 20 मार्क्स का इस बार नया सिलेबस है उसमें हम लोग एमसीक्यूज भी डाल रहे हैं। सो एमसीक्यूज की भी डिटेल प्रैक्टिस हमारी क्लास में होने वाली है। प्लस जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, सो गाइज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आप अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करें। सो आई एम गोना हेल्प यू इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर, आप कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं? थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, चलिए, एक जैसे सर ने आपको इतनी अच्छी न्यूज दी है कि अब आपके लिए सीएस बनना आसान हो गया है। रीजन ये है, 8 की जगह 7 पेपर। और एक और चीज, आपके इन 7 में से 6 ऐसे पेपर हैं जिसमें 20% ऑब्जेक्टिव एंड 80% सब्जेक्टिव है, सिर्फ एक पेपर को छोड़ करके जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है। इन 6 पेपर में जिनकी हम बात करें, इसमें से मैं आपके साथ जो है वो 4 पेपर में हूं, 2 पेपर ग्रुप 1 के जिसको मॉड 1 भी कहते हैं और 2 जो है वो आपके मॉड 2 के जिसको ग्रुप 2 भी कहते हैं। मैं आपके साथ मिलूंगा मॉड 1 में जीआईजीएल में और सेटिंग अप में, साथ ही साथ ग्रुप 2 में हमारी आपकी मुलाकात होगी सिक्योरिटीज लॉ में और इकोनॉमिक लॉ में। ये तो थी कि मैं आपके साथ मिलूंगा, लेकिन मिल करके मैं करूंगा क्या? बहुत सारे टीचर से आप हर दिन मिलते हैं, बैचेस करते हैं, यहां पे हम एक खास तरीके से पढ़ाई करने जा रहे हैं और ये है कि ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। ये 20 मार्क्स में से एक भी कम बर्दाश्त नहीं, हमें पूरे 20 के 20 चाहिए। ये दिल मांगे मोर चाहिए तो चाहिए, जिद है हमारी। और ये जो हमारा 80 मार्क्स है ये कहता है डिस्क्रिप्टिव है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता तैयारी अलग तरीके का होता, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रहता तैयारी अलग होती, दोनों है वॉट लगेंगे? बिल्कुल नहीं लगेगा। इस 20 में 20 लाएंगे और इस 80 की इतनी शानदार प्रैक्टिस करेंगे, हम एश्योर करते हैं आपको, गारंटी लेते, दैट इज ऑलरेडी ऑन एयर और हम रिकॉर्डेड पे आपको कहते हैं कि हम आपकी गारंटी ले रहे हैं। आखिर कर क्या रहे हैं जो हम आपके लिए गारंटी ले रहे हैं? हम आपको राइटिंग एबिलिटी की प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके कॉपी को इंडिविजुअली चेक करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे वैसे भी जानते हैं, मैं इंस्टीट्यूट का एकेडमिक एक्सपर्ट भी हूं। क्या लिखने का तरीका होना चाहिए, कैसे इवैल्यूएशन होता है, कितना लिखेंगे बॉस तो कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स के लिए बच्चे कहते इतना लिखें या इतना लिखे, भाई ये खंभा थोड़ो ना, इतना पियो या इतना पियो, कितने लिखने हैं, किस तरीके से करना है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन में होंगे, हो सकता है उनको ये क्यूरियोसिटी हो, सर क्लास में तो आप करा दोगे, हमें कैसे लिखना सिखाओगे? आपको भी लिखना उसी तरीके से सिखाएंगे, आपको डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा।
हाफ एन आवर का टाइम आपके पास रहेगा फैकल्टी से बात करने के लिए। सुना है कभी किस टीचर ने आपको आधे घंटे का टाइम दिया, फोन पे आप कॉल करें, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन को लिखें, हमें भेजें, हम उसे इवेल्युएट करेंगे, आपके सामने आपके गूगल मीट पे आपको दिखलाएंगे कि यहां गोला लगाया, अगर ये नहीं लिखते तो इतने मार्क्स आते, क्योंकि ये लिख दिया इसीलिए इतने कम हो गए, इस तरीके से हम आपको लेकर के चलेंगे। तो मैंने किसी मैजिक की बात नहीं की, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या है, अल्टीमेटली आप आएंगे हमारे पास स्टूडेंट बन के, लेकिन आप आईजीपी से जब निकलेंगे तो प्रोफेशनल बन के, हमारा काम ही है ग्रूमिंग प्रोफेशनल, यही हमारा स्लोगन है और यही काम हम करते हैं। तो हम सबसे पहला बैच लेकर के आ रहे, सर ने आपको कहा मैं चार सब्जेक्ट ले रहा हूं, आपको इंट्रोड्यूस किया मैम सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, अब बात ये आती है कि सर हमारे जो है वो कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा जो है वो आस्पेक्ट है, और आप हैरान रह जाएंगे कि डिस्क्रिप्टिव आखिर इस पेपर को क्यों रखा गया है, जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, व्हाई दिस इज डिस्क्रिप्टिव, इंस्टीट्यूट ने जब 6 को 2018 में खिलाया तो इसको क्यों नहीं किया। अब ये आपको सर बताएंगे और सर आपको जो है वो सरप्राइज देने वाले हैं कि इस पेपर को कौन लेने वाले हैं। सर सो गाइस ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है बिकॉज यू सी You guys have to be, you have to compete with chartered accountants, cost accountants, corporate accounting, हाँ no doubts about it, आपको सिर्फ corporate accounting, basic सारी financial accounting नहीं, लेकिन corporate accounting, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, as a professional, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, साथ में financial management का भी आपका बहुत strong grip होना चाहिए, भाई आप एक बात बताओ ना, आप करोगे क्या वहां, company में company secretary बनके आप corporate finance करोगे, आप वहां पे कंपनी को फाइनेंस अरेंज करवाओगे, और फाइनेंस अरेंज कराओगे तो यार यू शुड बी अवेयर ऑफ कि उनकी किस किस कैपिटल की किस सोर्स ऑफ फाइनेंस की कितनी कॉस्ट है, फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा प्रॉफिटेबल कौन सा नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर डिसाइड कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगर डिसाइड कर रहे हैं, तो आप भी उसमें इनपुट दोगे कि गाइस ये वाली चीज अच्छी है, ये वाली चीज अच्छी नहीं है, एंड सो ऑन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन मुझसे पढ़ेंगे, इट्स बिन नाउ 24 इयर्स, 24 साल हो गए हैं कि मैं ये वाला पेपर पढ़ा रहा हूं सीए सीएस के स्टूडेंट्स को, और सीएस के स्टूडेंट्स आप लोगों को भी मैं फेस टू फेस क्लासेस दूंगा, साथ में लाइव वर्चुअल अगेन पेनड्राइव गूगल ड्राइव भी मिलेगी, और आप लोगों के लिए वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग हमारे पास आए, फेस टू फेस बैच सबसे पहला न्यू कोर्स का हमारा इंस्टीट्यूट शुरू कर रहा है, हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं, और इस बैच के की फीचर और बताना चाहूंगा दोस्तों, बात क्या है, यही बैच आपको फेस टू फेस मिल रहा है, यही वाली लाइव वर्चुअल लाइव एट होम भी है, लाइव एट सेंटर भी है, और इसके अलावा ये बैच जो है हमारी जो है टारगेट है, मॉड वन हम शुरू कर रहे हैं, और ये फरवरी एंड तक हम इसको इस बैच को, ये जनकपुरी पे जो फेस टू फेस बैच है इसको खत्म कर देंगे, इसकी क्लास हमारी लाइव एट सेंटर पीतमपुरा और लक्ष्मीनगर एक्सेट्रा पे भी चलेगी, और गाइज आपको ये बताना चाह रहा हूं फर्दर मोर कि ये बैच जैसे ही खत्म होगा आप लोग का मॉड टू हम लोग शुरू करेंगे फरवरी एंड से, और साथ में आप लोग मॉड वन को फिर से रिपीट करना चाहे फिर से हमारे पास आए, फिर से क्लासेस कीजिए, एक बार फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और नो एक्स्ट्रा फीस, आप लोग हमारे पास आएंगे हम आपको यहां पर फिर से पढ़ाएंगे, हम आपको श्योर शॉट वील होल्ड योर हैंड एंड वील मेक श्योर कि आप पास करें एग्जाम में। तो गाइज ये आपका जो पेपर है पेपर 4 दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम लोग जो है यहां पर पढ़ाएंगे, मैं उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आई विल मेक यू द मास्टर ऑफ दिस, टेस्ट लेंगे हर चैप्टर के बाद, हर एक चीज के बाद, एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओवर हियर। तो गाइज हम लोग मिल रहे हैं आप लोगों से कमिंग डिसंबर 6 को, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें, यही वाली क्लासेस हमारी YouTube पे भी, इनिशियल फ्यू क्लासेस 5 लेक्चर्स हमारे लाइव एट ऑन YouTube, हमारा आईजीबी ऑफिशियल आईजीबी क्लासेस चैनल पे भी जाएगा, तो गाइस आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें वहां, और मैं तो कहूंगा गाइस सर मैम दिल्ली से बाहर से स्टूडेंट्स आप आओ हमारे Most पास welcome. आप सब लोग यहां पर रहो दिल्ली में रहो, यहां अमेनिटीज अच्छी हैं, और हम आपको फेस टू फेस विल गिव द अटेंशन टू यू, और हम आपका ध्यान रखेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको श्योर शॉट सक्सेस दिलाएंगे, और सर स्टूडेंट बन के आएंगे और हम प्रोफेशनल बनाएंगे, दैट्स आवर पंच लाइन, कम एज ए स्टूडेंट एग्जिट एज प्रोफेशनल। Great. So guys, हम लोग मिलते हैं 6th of December, CS Executive, new course. Take care. God bless you all.